तो आज की क्लास में हम जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे जो कि संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है। देखिए संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, पहले तो हमें यह समझना आवश्यक है। जब हम संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि जब कोई इंसान या फिर कोई बच्चा या फिर हम कह सकते हैं मानव किसी चीज़ को देखता है तो वो अपने बौद्धिक स्तर पर यानी कि उसकी बौद्धिकता के आधार पर वो क्या चीज़ों को समझ रहा है, क्या ग्रहण कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, संज्ञानात्मक विकास। अब हर स्तर पर चाहे वो छोटा बच्चा हो या फिर कोई एक बड़ा वयस्क हो वो अपनी बौद्धिकताओं के आधार पर चीज़ों को समझता है। जैसे कि हम कहते हैं कि इसके अंदर 0 से लेकर 2 साल के बच्चे की सोचने की क्षमता अलग होगी और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा उसकी सोचने की क्षमता कैसी होगी, वो परिवर्तित होती रहेगी या फिर बदलती रहेगी और ये क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, तो यही थ्योरी किसने दी थी, जीन पियाजे ने दी थी। अब इसके अंतर्गत हम यह पढ़ेंगे कि इस सिद्धांत में कौन कौन से महत्वपूर्ण तत्व हैं या फिर कह सकते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जैसे कि हमारे सामने ये सब चीज़ें आती हैं, अनुकूलन, आत्मसत्करण, समय योजना, समय धारणा, संज्ञानात्मक रचना, मानसिक संक्रिया, स्किमस, जो कि संज्ञानात्मक संरचना से कह सकते हैं कि एक उसके अंदर एक महत्वपूर्ण पक्ष रखता है, स्कीमा, विकेंद्रीकरण, संरक्षण। अब इन्हीं सब चीज़ों को हम अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो पहला जो बिंदु हमारे सामने आया है वह क्या है, पहली जो चीज़ें सिद्धांत के अंतर्गत हमारे आती है वह होता है अनुकूलन। अब देखिए एक बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा जो होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है तो अपने वातावरण से यानी कि इन्वायरमेंट से क्या करता है, अडप्ट होता है या फिर कह सकते हैं मेल मिलाप उसका होता है। और यहाँ पर उसकी एक चीज़ समय सामने आती है कि वो जैसे जैसे बड़ा होगा उसके अंदर या फिर कह सकते हैं उसकी जन्मजात प्रवृत्तियाँ जो होती हैं, जैसे कि एक इंसान की जन्मजात प्रवृत्ति क्या होती है, भाषा को सीखना, तो वो भाषा को सीखेगा, चलना सीखेगा, चलना हो गया है ना, तो ये क्या है, ये सब उसकी जन्मजात प्रवृत्तियाँ हैं। और ये सब कैसे होंगी, जब वो अपने वातावरण से मिलेगा। जैसे कि एक बच्चा अगर किसी कह सकते हैं दिल्ली में रहता है तो वहाँ पर भाषा के आधार पर हिंदी सीखता है, कोई महाराष्ट्र में रहता है तो मराठी सीखता है, यानी कि वो जो एक इंसान या फिर कह सकते हैं कि उसकी जाति जो होती है उसके हिसाब से, जो जाति से मेरा तात्पर्य है कि जैसे इंसान हो गया, एक जानवर हो गया या फिर कह सकते हैं पंछी हो गए, वो सब अपनी जाति के हिसाब से क्या करते हैं, अनुकूलन करते हैं, यानी कि अपने जन्मजात प्रवृत्तियों को क्या करते हैं, सीखते हैं। कब, जब अपने वातावरण से मिलते हैं। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार है कि जब एक बालक अपने वातावरण के साथ, जो मैंने आपको बताया कि एक बच्चा क्या करेगा अपने वातावरण से क्या करेगा, मिलेगा, के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। सामंजस्य का मतलब जब वो अपने वातावरण से क्या करेगा, मिलेगा, जहाँ पे वो रह रहा है, अपना स्कूल हो गया, अपना समाज हो गया, ये सब चीज़ें हमारे सामने आती हैं, उससे जब मिलता है और क्या करता है, यहाँ पे अपनी जन्मजात प्रवृत्तियों को ग्रहण करता है। जन्मजात प्रवृत्ति जैसे कि खाना पीना हो गया, हंसना हो गया, ये सब चीज़ें, बोलना हो गया, चलना हो गया, ये सब क्या है, एक इंसान की, एक बालक की जन्मजात प्रवृत्ति है, यानी कि उसे सीखेगा ही और को ग्रहण करता है और इसी प्रक्रिया को अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, तो हम इसे आसानी से समझ सकते हैं कि अनुकूलन क्या होता है, जब एक बच्चा क्या करता है अपने वातावरण से मिलता है और उस वातावरण से मिलने के कारण क्या होता है, जो उसकी जन्मजात प्रवृत्तियाँ होती हैं, उसकी भाषा का सीखना हो गया, उसका चलना हो गया, दौड़ना हो गया, ये सब चीज़ें उसके वातावरण के साथ मिलती है। और बौद्धिकता के स्तर पर कहूँ तो वो जैसे जैसे अपने समाज से मिलेगा, चीज़ों से मिलेगा, तो अपने उसकी बुद्धि का विकास होगा और उसी के तहत वो अनुकूलन करेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है आत्मसत्करण। आत्मसत्करण मतलब क्या होता है, आत्मसत्करण का मतलब यह होता है कि जब एक मानव जो होता है, एक बच्चा जो होता है, वो क्या करेगा, अपनी समस्या का समाधान करता है अपने वातावरण में। मतलब इसका अर्थ यह है कि देखिए मान लीजिए, एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगी, एक बच्चा है, ठीक है, उसका एक परीक्षा होती है, फिर एग्ज़ाम होता है, तो वहाँ पर वो क्या करता है, अपने पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करता है। यानी कि मान लीजिए आपके सामने, जैसे हम कहते हैं कि एक कहानी बहुत फेमस है, एक मशहूर है कि एक भालू आता है, ठीक है, जो हमने बचपन में सुनी होगी, और वहाँ पे क्या हमने कहानी में सुना होता है कि जैसे भालू आता है तो वहाँ पे जो बच्चे, दो बच्चे होते हैं, तो एक बच्चे को तो पता होता है कि मतलब अगर वो नहीं हिलेगा
तो भालू से कुछ नहीं करेगा, यानी कि वहां पे वो क्या करता है, अपने पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करता है। किस लिए? अपनी समस्या का समाधान करने के लिए। एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँ तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए एक इंसान अपनी समस्या को समाधान करने के लिए अपने पास पूर्व ज्ञान, यानी कि जो ज्ञान उसके पास पहले से है, जैसे कि मैंने आपको कहानी बताई थी कि वहाँ पर क्या किया उसने, अपने पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए अपनी समस्या को समाधान किया, है ना, उस भालू से बचने के लिए। और ऐसी एक मैं एग्जांपल आपको और दे सकती हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपकी परीक्षा होती है और वहाँ पे आपको, मान लीजिए आपका इंग्लिश का पेपर था और वहाँ पे आपने जब इंग्लिश का पेपर देने गए तो आपने अपने पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए उस इंग्लिश के पेपर को कर लिया, ठीक है। और आपने, यानी कि मान लीजिए एग्जाम क्या था आपका, समस्या थी और उसको समाधान करने के लिए आपने पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल किया, तो ये क्या हो गया, आत्मसत्कर्ण। जब एक मानव अपने पूर्व ज्ञान, यानी कि जो ज्ञान उसके पास पहले से है, उसका इस्तेमाल करता है किस लिए, अपनी समस्या को समाधान करने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, आत्मसत्कर्ण। तो इसकी परिभाषा किस प्रकार है, इसकी परिभाषा अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो इसमें यह बताया हुआ है कि अपनी समस्याओं का, यानी कि जब हम अपनी समस्या का क्या करते हैं, समाधान करने के लिए या अपने वातावरण में स्थापित समस्या का निवारण करने के लिए, जब हम अपने पूर्व ज्ञान या फिर अनुभव का इस्तेमाल करते हुए अपनी समस्या का निवारण करते हैं, तो ये क्या हो गया, आत्मसत्कर्ण हो गया, इसी को हम कहते हैं आत्मसत्कर्ण। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है समायोजना। देखिए समायोजना क्या होता है, समायोजना का अर्थ यह होता है कि जब हमारे सामने, मैं सेम एग्जांपल लेती हूँ, मान लीजिए आपकी परीक्षा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपकी एग्ज़ाम किसका था, इंग्लिश का था, आपको पता था यह बात कि आपका जो पेपर है वो इंग्लिश का है, ठीक है, आप परीक्षा में कक्ष में गए या फिर हॉल में गए, वहाँ पर क्या हुआ, आपका इंग्लिश पेपर ना आते हुए क्या हुआ, हिंदी का पेपर आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे आप अपने अंदर एक नया ज्ञान लेके आएंगे, यानी कि अपनी समस्या को समाधान करने के लिए आप क्या करते हैं, नवीन ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं और इसी को हम समायोजना कहते हैं। यानी कि जब एक इंसान अपनी खुद की समस्या को समाधान करने के लिए क्या करता है, अपने व्यवहारों में परिवर्तन लाता है और अपनी समस्या का समाधान करता है, ठीक है। तो यही फर्क था आत्मसत्कर्ण और समायोजना में। आत्मसत्कर्ण में हम क्या करते हैं, अपने पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं, जबकि समायोजना में क्या करते हैं, अपनी न्यू नॉलेज या फिर कह सकते हैं नवीन ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं, इसे हम कहते हैं नई नॉलेज या फिर नवीन ज्ञान। तो इसमें क्या बोला है, बालक अपनी खुद की क्या करता है, योजना या फिर व्यवहार में परिवर्तन लाकर अपनी समस्या को समाधान करता है, तो इसी को हम कहते हैं समायोजना, ठीक है। और देखिए तो साधारण सा मतलब था, आत्मसत्कर्ण में क्या हुआ, आपने अपनी क्या किया, अपनी पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल किया, आपका इंग्लिश का पेपर था, आपने इंग्लिश का पेपर दिया, सिर्फ अपने जो नॉलेज थी आपको उसके तहत अपने एग्जाम दे दिया, अपने पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल कर लिया। पर हिंदी में क्या किया आपने, हिंदी के जब आपके पास हिंदी आपके पास को पता नहीं था हिंदी का एग्जाम आने वाला है, तो आपने क्या किया, अपने खुद की नई नॉलेज डेवलप करी या फिर उसको विकास का किया और उसको उसके आधार पर आपने अपना एग्जाम दिया, तो इसे क्या कहते हैं, समायोजना, जब हम अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे है समय धारणा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी पहले जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि आपका एग्जाम किस चीज़ का होने वाला था, इंग्लिश का, पर किसका हो गया, हिंदी का। अब आपने ये जो पूरा योजना बनाई थी, आपको पता था कि आपकी इंग्लिश का एग्जाम है पर आ गया हिंदी का, इसके बीच में एक समय है, ठीक है। आपको अपनी न्यू नॉलेज यानी कि अपनी जो पहले के पूर्व ज्ञान और क्या कह सकते हैं, नवीन ज्ञान, अब जब आप इसके बीच में आप संतुलन स्थापित करेंगे तो इसी को हम कहते हैं समय धारणा। और इसके अंदर हमारा अनुकूलन भी आ जाता है, यानी कि हमारा एडेप्टेशन भी आता है। और ये तीनों ही चीज़ें, अनुकूलन, समय योजना और आत्मसत्कर्ण, ये तीनों ही मिलके हमें समय धारणा का अर्थ समझाते हैं, जैसे कि एक संतुलन स्थापित करना, वह भी आत्मसत्कर्ण और समायोजना के बीच में, ठीक है, जो मैंने आपको समझाया कि आप एक संतुलन स्थापित करोगे अपने नवीन ज्ञान में और पूर्व ज्ञान के बीच में,
एक संतुलन स्थापित होता है, इसको क्या कहते हैं, समय धारणा। अब आगे देखते हैं, आगे संज्ञानात्मक रचना। देखिए संज्ञानात्मक रचना का सीधा मतलब यह है कि जब आप अपनी मानसिक क्षमताओं के आधार पर, यानी कि एक जो बच्चा होता है, हर उम्र में हर बच्चे की सोचने की चीज़ों को देखने की क्षमता अलग होती है और इसी को मानसिक संगठन कहते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए आपके सामने कोई चीज़ आती है, अगर आपको पहले से पता, यानी कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, उसको आप क्या कहेंगे, उस वस्तु को देख के आप क्या समझ रहे हैं, उसको हम कहते हैं संज्ञानात्मक संरचना। यानी कि आप उसको चीज़ों के बारे में, आपका बौद्धिक क्षमता क्या चीज़ है, आप उसको उसे कहते हैं संज्ञानात्मक रचना। इसका इसकी परिभाषा क्या हुई, इसकी परिभाषा यह है कि मानसिक संगठन या मानसिक क्षमताएं का सेट को संज्ञानात्मक रचना कहते हैं। वस्तु को देखकर या समझना कि वह क्या है, जो मैंने आपको कहा कि आप मान लीजिए आपके सामने कोई जानवर आता है, ठीक है, एक बच्चे के सामने जानवर आता है, अगर उसके उसको पहले से उसकी जो मानसिक क्षमता है उसे अगर बच्चे को नहीं पता कि वो जानवर कौन है तो वो उसे नहीं बता पाएगा। यानी कि उसकी मानसिक जो क्षमता है वो इतनी प्रभावित या फिर कह सकते हैं इतनी प्रबल नहीं होती है जिसके कारण वह उस चीज़ को बता सके। तो ये क्या हो गया, संज्ञानात्मक रचना जो हर स्तर पर हर उम्र पर अलग अलग होती है और धीरे धीरे इसका विकास होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में है मानसिक संक्रिया। मानसिक संक्रिया यानी कि अब आप किसी समस्या का समाधान अपने चिंतन के आधार पर करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मानसिक संक्रिया। यानी कि आपकी सोचने समझने की क्षमता किस प्रकार से है और आप एक समस्या को समाधान करने के लिए कितना चिंतन यानी कि आपने सोच विचार कर सकते हैं, इसी को क्या कहते हैं, मानसिक संक्रिया। अब आगे देखते हैं स्कीमस। स्कीमस क्या होता है, देखिए स्कीमस अगर मैं आपको एक उदाहरण की तरह समझाना चाहूँ कि देखिए अगर किसी कार्य को, अगर हम जैसे हम कहते हैं कि बच्चों को सिखाने के लिए सबसे अच्छी चीज़ यही है कि आप उसको उस कार्य को, अगर मान लीजिए हम छोटे बच्चों को कह सकते हैं कि हमें उन्हें लिखना सिखाना होता है ना, तो वो कैसे सिखाते हैं, उनको बार बार हम उन्हें होमवर्क देते हैं, उनको गृह कार्य देते हैं, जब भी हम उन्हें याद करवाना होता है उसे लिखवा लिखवा कर याद करवाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जैसे उन्हें हम उन्हें ABCD आखा गगा जो भी सिखाते हैं तो हम उसे कैसे कहते हैं, दोहरा कर सिखाते हैं। वो क्यों करवाते हैं, क्योंकि उस चीज़ को लिखने से या फिर उसे बार बार दोहराने से उन्हें वो चीज़ क्या होती है, याद हो जाती है ना। तो इसी को कहते हैं कि जब हम एक व्यवहारों का संगठित पैटर्न को स्कीमस कहते हैं, यानी कि जब एक कार्य को बार बार दोहराया जाए उसको क्या कहते हैं, स्कीमस कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं और यहाँ पे देना चाहूँगी, मान लीजिए एक साइकिल का एग्जांपल मैं ज़रूर दूंगी। देखिए एक जब छोटा बच्चा होता है जैसे जैसे साइकिल चलाता है धीरे धीरे तो वो गिरता भी है, पर बार बार जब वो उस चीज़ को दोहराता है यानी कि सीखता है, ठीक है सीखता है, तो यहाँ पे क्या होता है, बार बार दोहराने से वो पैटर्न या फिर वो उसके मानसिक संक्रिया में वो चीज़ एक फिक्स हो जाती है या फिर वो एक उसके दिमाग में क्षमता विकास विकसित हो जाती है। और इसी को स्कीमस कहते हैं, जब एक चीज़ को दोहराने से क्या होता है, आपके दिमाग में वो सेट हो गया, यानी कि उसकी जो संरचना है उसे आप सेट हो गया। एक एग्जाम्पल मैं टाइपिंग का भी दे सकती हूँ आपको, ठीक है, इंग्लिश टाइपिंग, अब इसको भी आप कह सकते हैं कि बार बार आप जब उसे आप टाइप करते हैं तो वो भी एक दोहराने के कारण आपके दिमाग में उसके एक पैटर्न सेट हो जाता है, राइट, सही बात है ना। और पैटर्न जब सेट हो जाता है तो आप उस चीज़ों को अच्छे से समझ जाते हो और उसे सीख जाते हो। तो स्कीमस ये होता है कि आपको कुछ चीज़ करवाने के लिए ना सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, व्यवहार में बच्चों को बार बार करवा के आप उसे समझा सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है स्कीमा, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे कन्फ्यूजन बच्चों को स्कीमस और स्कीमा में होता है। देखिए अब मैंने जब स्कीमस की बात की थी तो उसमें मैंने आपको एक इंग्लिश का एग्जांपल दिया था, इंग्लिश टाइपिंग का, और एक मैंने एग्जांपल दिया था आपको साइकिल का, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, जब हम इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश टाइपिंग की मैंने आपसे बात की थी, तो वहाँ पे आपको क्या हुआ, आपने उस चीज़ को इंग्लिश टाइपिंग को अच्छे से सीख लिया था, वो कैसे, दोहरा कर बार बार कर, है ना। अब यहाँ पर मैं कहूँ कि आपको हिंदी टाइपिंग करनी है, हिंदी टाइपिंग सीखनी है, तो वो सीखने में आपको समय नहीं लगेगा, क्योंकि ये दोनों ही जो टाइपिंग होती है वो एक तरह से सामान्य तरीके से मैं कहूँगी, क्योंकि इनके बेसिक सेम होते हैं, आपको बार बार आप सीख जाएंगे। और उसी तरह से अगर मैं साइकिल की बात करूँ तो
अब जब आपने साइकिल चलाना सीख लिया तो अक्सर लोग कहते हैं कि जिनको साइकिल चलाने आता है वो स्कूटर अच्छे से चला सकते हैं, स्कूटी चला सकते हैं, स्कूटर चला सकते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इन दोनों में ही एक साइकिल और स्कूटी में एक उनका पैटर्न सामान्य होता है। सामान्य मतलब एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि उनमें चीज़ें समान होती है, समान होती है। इस वजह से आप इसको अच्छे से सीख सकते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, स्कीमा। जब आपके स्कीमस में जो चीज़ पहले से निर्धारित होती है उसका क्या होता है, सामान्यकरण हो जाता है, तो वो स्कीमा में आ जाता है। इंग्लिश से आपने क्या किया, हिंदी टाइपिंग सीखी, और साइकिल से क्या किया, स्कूटी को सीखा। तो ये क्या है, ये स्कीमा है। तो इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य है कि मानसिक संरचना जिसका सामान्यकरण कर दिया गया हो, यानी कि आपने जब कोई चीज सीखी है तो उसका सामान्यकरण, यानी कि उसी चीज को, सेम चीज को आपने क्या किया, एक समान तरीके से सीखा है। इस वजह से इसको स्कीमा और कहते हैं, जो कि स्कीमस का एक सामान्यकरण होता है, एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपने ये चीज़ अच्छे से समझ ली होगी। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विकेंद्रीकरण। देखिए, विकेंद्रीकरण मतलब यह होता है कि जब आप किसी चीज़ को ना, किसी चीज़ को अच्छे तरीके से सोचते और समझते हैं, एक अच्छे सेंटर्ड होकर, मतलब ध्यान से, उसको विकेंद्रीकरण कहते हैं। यानी कि वातावरण में परिवर्तन या स्थिरता को पहचानने की क्षमता, अर्थात तत्वों को पहचानना, यानी कि एक चीज़ में क्या क्षमता है, क्या चीज़ें हैं, इसके तत्वों को आप पहचानते हो, इसको क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए, अब तक आपने जो ये जीन प्याजे का जो सिद्धांत था उसके बारे में समझा, कि जो बेसिक कहूँ तो सामान्य तत्वों को आपने समझा, कि एक बौद्धिकता के आधार पर एक बच्चे का समाज से वो जब वो मिलता है, अनुकूलन करता है, अपनी समस्याओं को बौद्धिकता के आधार पर सीखता है, आत्मसत्करण करता है, समायोजित करता है, या फिर मैं कहूँ कि वो अपना स्कीमा यानी कि चीज़ों को स्कीमस और स्कीमा में अपने चीज़ों को बौद्धिकता के आधार पर डालता है। ठीक है, ये तो हो गई हर अवस्था की बात, कि वो हर अवस्था में ही होता जाएगा समय के साथ में, या फिर वातावरण के साथ जैसे जैसे वो बड़ा होगा। पर इसके आगे जीन प्याजे ने हमें यह बताया कि देखिए, हर जो बच्चा, हर उन्होंने बच्चों के गुणों के आधार पर, या फिर मैं कह सकती हूँ कि उन्होंने बच्चों के चीज़ों को पहचाना और वहाँ पे उनके हिसाब से चार अवस्थाओं में उसे विभाजित किया। पहला है इंद्रजनित संक्रियात्मक अवस्था, जो शून्य से लेकर दो वर्ष तक होती है, जीरो से लेकर दो वर्ष तक होती है, यानी कि इसके अंदर इंद्रियों का एक कह सकते हैं महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसके अंतर्गत बच्चे चीज़ों को समझते हैं अपने बौद्धिकता के आधार पर, और ये काल्पनिकता पर ज़्यादा होता है, 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। फिर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त, ये देखिए, मूर्त से आप इतना समझिए जहाँ पर एक बच्चा अपने ठोस वस्तुओं के आधार पर चीज़ों को समझता है। फिर आ जाता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए, मूर्त का उल्टा क्या होगा, अमूर्त, यानी कि यहाँ पे उससे ठोस वस्तुओं की जरूरत नहीं पड़ रही है, वो अपनी जो एक कह सकते हैं कि धार्मिक चीज़ें हो सकती है, स्पिरिचुअलिटी हो सकती है, आध्यात्मिक हो सकती है, उसके आधार पर अपनी बौद्धिकताओं का उसका विकास होता है। और ये कहाँ से तक होती है, 12 से लेके 15 वर्ष तक। तो आइए देखते हैं एक एक करके इन चारों ही अवस्था के गुणों को, उनके महत्वपूर्ण तथ्यों को और नकारात्मक चीज़ों को भी हम पहचानने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो पहला जो अवस्था है वो है इंद्रजनित अवस्था, जिसकी जो अवधि होती है वह होती है 0 से लेके 2 वर्ष तक। यानी कि देखिए, यहाँ पे जो छोटा बच्चा जो होगा वो बहुत छोटा होगा, क्योंकि उसकी यहाँ पे एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि सोचने की क्षमता 0 होगी, यानी कि उसके अंदर सोचने का कुछ इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं होगा। तो क्योंकि ये छोटा बच्चा बहुत छोटा है, तो यहाँ पे वो नहीं, तो उसे बोलना तो आता होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, कैसी चीज़ों को बुद्धि के हिसाब से मैं कह सकती हूँ, इंद्रियों द्वारा, जो हम कह सकते हैं 5 इंद्रियाँ होती हैं हमारी, 5 सेंसेस होती हैं, उसके आधार पर अपनी चीज़ों को करता है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या देखा है, इस अवस्था में बालक क्या करता है, इस अवस्था में बालक अपनी मानसिक क्रियाओं को, अपनी इंद्रजनित क्रियाओं को प्रकट करता है। देखिए, जो मैंने कहा
अब बच्चा, छोटा सा बच्चा देख 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 कर चीज़ों को समझ सकता है, आँखों से छू कर चीज़ों को हटाकर बढ़ाकर सूंघ कर स्मेल करके, ये सब क्या होगी, उसकी इंद्रियाँ हो गई, और उसी के हिसाब से वो चीज़ों को, कान हो गया, सुनना हो गया, ये सब क्या हो गया, इंद्रियाँ हो गई, और इसी के आधार पर उसकी जो मानसिक क्रियाएं होती है वो निर्धारित होती हैं, और चीज़ों को समझना और चीज़ों को ग्रहण करना इसी के आधार पर होता है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए जैसे कि चीज़ों को हटाना और बढ़ाना, यहाँ पे वो क्या करेगा, चीज़ों को बढ़ाकर हटाकर, यानी कि अपनी बात को, गुस्सा प्रकट करने के लिए चीज़ों को फेंकेगा। जैसे हम देखते भी हैं, जो छोटे बच्चे, अगर आपने देखा होगा, तो जब उसे गुस्सा आता है तो चीज़ों को, खिलौने को उठा के फेंक देते हैं, उनके पास छोटा सा आप कुछ भी रख दीजिए, उठा के फेंक देंगे, यानी कि अपनी इंद्रियों द्वारा वो क्या करेंगे, अपने बातों को प्रकट करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि अपने भावों को रोककर या हंसकर प्रकट करना। देखिए अब यहाँ पर जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी बातों को बोल तो सकते हैं, यानी कि उन्होंने यहाँ पे भाषा का विकास नहीं हुआ होता है, वातावरण से इतना वो घुले मिले नहीं होते हैं, तो अपनी बातों को कैसे बताएंगे, भावों को कैसे बताएंगे, भूख लगती है तो रो रो के बताते हैं, और अपनी खुशी जाहिर करनी होती है तो वो कैसे बताते हैं, हंसकर बताते हैं। तो ये बोला गया है कि इस उम्र में बच्चे क्या करते हैं, रोकर और हंसकर अपने भावों को प्रकट करते हैं, रोकर और हंसकर क्या करेंगे, अपने भावों को प्रकट करेंगे। अब आगे देखते हैं, फिर है संकेत गामक क्रियाओं के जरिए वो अपनी बातों को व्यक्त करते हैं। देखिए संकेत गामक क्रिया क्या होती है, जो मैंने अभी अभी आपको बताया, संकेत गामक यानी कि जब उन्हें दुख होता है तो वो हंसते हैं, रोते हैं सॉरी, हाँ, और जब खुशी होती है तो वो हंसते हैं, यानी कि अगर उन्हें भूख लगी है तो रोएंगे, यानी कि अपने जब चीज़ों को उन्हें बताना होगा तो संकेत करेंगे, और ये संकेत इसी प्रकार से होता है, हंसकर रोकर खिलखिलाकर इस तरीके से, या फिर बलबलाना हो गया इस तरीके से, ठीक है। अब आगे इसके और पॉइंट्स देखते हैं। इस अवस्था में बालक दृष्टिगोचर होता है। देखिए दृष्टिगोचर का मतलब क्या होता है, दृष्टि, देखिए दृष्टिगोचर का मतलब यह होता है कि देखिए जब छोटा जो बच्चा जो होता है ना, दो एक शून्य से लेकर 2 वर्ष के साल तक के बच्चों के, वो धीरे धीरे अपने जो आसपास लोग होते हैं उनको पहचाने तो लगता है, पर अगर मान लीजिए कोई बाहर से इंसान आ रहा है जो हर रोज नहीं आता, तो जब तक वो इंसान उसके सामने है वो उसको पहचानेगा, पर अगर आप उसे थोड़े दिन बाद मिलेंगे तो वो बच्चा उसे नहीं पहचानेगा। या फिर मैं एक और उदाहरण दे सकती हूँ कि जब उसके खिलौने जो होते हैं बच्चे के, आप जब वो खिलौने को पहचानेगा तो ज़रूर, पर अगर आप उस खिलौने को छुपा देंगे तो वो भूल जाएगा, उसे उसे याद भी नहीं रहेगा, यानी कि उसे बहलाना आसान होता है। या फिर मैं कह सकती हूँ कि चीज़ों का क्या, चीज़ों का वो तब तक ही समझ पाता है जब तक उसके सामने होती है, वरना वो उसे भूल जाता है, दृष्टिगोचर। तो यही लिखा है कि इस अवस्था में बालक दृष्टिगोचर होता है, अर्थात वस्तुओं का अस्तित्व तभी तक स्थापित रहता है जब तक वह वस्तु उसके सामने हो, अन्यथा नहीं। यानी कि मैं जो कहा कि अगर आप उसके खिलौने को उसको दे देंगे तो उसको याद रहेगा, पर अगर उसको आप हटा देंगे उसके सामने से तो वो उसे भूल जाएगा। जैसे कि वही जो लोग सामने आएंगे तो उसको याद रखेगा, अगर नहीं आएंगे तो वो उसे भूल जाएगा। तो इसे कहते हैं दृष्टिगोचर होना। अब दूसरा है कि इसमें वस्तु स्थायित्व का व्यवहार विकसित रहता है। देखिए वस्तु स्थायित्व का मतलब, अर्थात किसी वस्तु के बारे में वास्तविक चिंतन करना। तो ये इस अवस्था में जो वस्तु स्थायित्व का व्यवहार, वो मतलब जब तक वही जो इसी में वही चीज़ होगी, वो चीज़ों के बारे में तभी सोचेगा जब तक उसके सामने है, अर्थात नहीं, क्योंकि वास्तविक चिंतन इसमें होता है, थोड़ा बहुत होता है, इस अवस्था की बहुत छोटी होती है, इस आधार पर थोड़ा कम होता है, पर थोड़ा बहुत होता है। अब आगे देखते हैं, सामने ना होने पर वस्तु का स्थायित्व बना रहता है, अस्तित्व बना रहता है, यानी कि सामने अगर थोड़ी देर के बाद उसके खिलौने छुपा भी दोगे तो थोड़ी देर तक उसे याद रहेगा, अन्यथा नहीं। अब इस अवस्था के हमने सारे बिंदुओं को अच्छे से समझा कि बच्चे चीज़ों को हटाकर, चीज़ों को हटाकर इंद्रियों की तरह सीखते हैं, अपने भावों को रोककर हंसकर प्रकट करते हैं, संकेतों के जरिए अपनी बातों को प्रकट करते हैं, और चीज़ें जब तक उनके सामने होती हैं तब तक वो उसे दृष्टिगोचर होती हैं, अन्यथा जब वो चीज़ सामने से हट जाती है तो वो उसे भूल जाते हैं। फिर है कि इसमें वस्तु स्थायित्व का व्यवहार विकसित रहता है, अर्थात किसी वस्तु के बारे में वास्तविक चिंतन यहाँ पे थोड़ा बहुत रहता है, धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है। तो आगे देखते हैं, अब ये जो है अवस्था है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और इसकी अवधि क्या होती है, इसकी अवधि होती है 2 से लेकर 7 वर्ष तक, यानी कि 2 से लेकर 7 वर्ष तक इसकी अवधि होगी। और इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या चीज़ है,
अब जैसे जैसे इंद्रियगामक अवस्था के बाद जब जब बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में प्रवेश करता है, तो यहाँ पर देखिए धीरे धीरे उसकी जो शब्द भंडार होते हैं, यानी कि जब अपने वातावरण से मिलता है तो वो भाषा को सीखता है, वो सीखेगा ही, जैसे जिस माहौल में वो पढ़ रहा है वो बढ़ रहा है, उसके आधार पर वो भाषा को सीखना प्रारंभ कर देता है। यानी कि इस अवस्था में बालक क्या करता है, भाषा का इस्तेमाल ठीक प्रकार से प्रारंभ कर देता है। ठीक है, अब देखिए संप्रत्यय अपने ज्ञान के आधार पर निर्माण विशेष करना। देखिए संप्रत्यय क्या होता है, संप्रत्यय का अर्थ यह होता है कि जब कोई चीज आपके सामने आती है, मान लीजिए दो फोटो हैं, ठीक है, अब आप उसके बारे में क्या समझ रहे हो, यानी कि मान लीजिए एक छोटे बच्चे के माता पिता की फोटो उसके सामने हमने रखते हैं, अब उस बच्चे के पास, तो उसके पास पूर्व ज्ञान पहले से है, यानी कि उसके पास ज्ञान है, और वो उसी के आधार पर एक संप्रत्यय निर्माण करेगा, यानी कि उस फोटो को देखकर वो समझेगा कि हाँ वो उसके माता पिता हैं। या फिर अगर एक जानवर जा रहा है, मान लीजिए एक बिल्ली जा रही है, फिर एक कुत्ता जा रहा है, तो अगर उसे पहले से पता होगा कि हाँ ये कुत्ता है और ये बिल्ली है, तो इस आधार पर क्या होगा, वो संप्रत्यय निर्माण करेगा, यानी कि उस चीज को बारे में जब कोई चीज सामने आती है उसकी अपने ज्ञान के आधार पर, वो उसके पास जितना ज्ञान है उसके आधार पर वो क्या करता है, वो अपने चीजों को अपने ज्ञान के आधार पर निर्माण करता है। अब नेक्स्ट है वस्तुओं को पहचानना व विभेद करना। जो मैंने आपको बताया, जैसे मैंने एक जानवर का आपको एग्जाम्पल दिया, या और जैसे कि बिल्ला बिल्ली और कुत्ता हो गया, ठीक है, अब देखिए दोनों की चार टांगे होती हैं, एक पूंछ होता है, पर यहाँ पर वो उसमें विभेद कर सकता है, या फिर गाय हो गई वहाँ पर विभेद कर सकता है, क्योंकि उसके पास ज्ञान का निर्माण इतना हो जाता है, एक पंखे में और एक टेबल में वो फर्क करना लग जाएगा, उसे पता चल जाएगा और फिर उसके ज्ञान के आधार पर। तो यहाँ पे क्या होता है, वस्तुओं को पहचानना व विभेद करने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। अब आगे देखिए इसमें बोला है कि 5 वर्ष के अंत तक संप्रत्यय निर्माण अधूरा और दोषपूर्ण होता है और परंतु समाप्त नहीं होता। देखिए इसका मतलब क्या है, संपत्ति निर्माण अधूरा होना, यानी कि देखिए एक जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें देखिए ये पूर्व संख्यात्मक अवस्था की अवधि है, और यहाँ पे बच्चे अपने काल्पनिकता पे ज्यादा होते हैं। जैसे कि एक मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँ तो जैसे पहले हम ये कार्टूनों को देखते हैं, पहले तो वहाँ पे एक कार्टून आता था, तो वहाँ पे एक मान लीजिए शक्तिमान जैसे उस टाइम पे आता था, तो वहां पे हमने एक बहुत सारे केसेस देखे थे जहां पर बच्चे छत पे से कूद जाते थे, वो इस वजह से होता था क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आता, काल्पनिकता में और असलियत में फर्क समझ में नहीं आता है, और इसी वजह से वो क्या करते हैं, उनका संपत्ति निर्माण अधूरा होता है, वो चीजों को पूरी तरह से वो दोषपूर्ण होता है। या फिर मैं कह सकती हूँ कि एक एग्जाम्पल और दूँ तो, जब बादल आसमान में होते हैं तो बच्चे समझते हैं कि वो उनके साथ में चल रहा है, या फिर मैं कह सकती हूँ कि एक जो बच्चों के पास खिलौने होते हैं, हवाई जहाज होता है, फिर टैडी होता है, वो उसको एक सजीव चीज मानते हैं, वो कह उनको लगता है कि वो असलियत में है, वो नकली नहीं है। तो ये संप्रत्यय निर्माण किस तरीके का है, वो अधूरा है और दोषपूर्ण है, और अधूरा है और समाप्त नहीं होता, यानी कि वो पूरी तरीके से चीजों को समझ नहीं पाते हैं। तो इस 5 साल के अंत तक क्या होता है, संप्रत्यय निर्माण अधूरा होता है, दोषपूर्ण होता है और समाप्त नहीं होता है। आगे देखते हैं, जो मैंने आपको बात समझाई कि सजीव और निर्जीव में वो विभेद नहीं कर पाते, उसको पहचान नहीं पाते, जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया कि वो अपने खिलौनों को असली असली समझते हैं, और किस उन्हें लगता है कि वो सजीव है, जैसे कि गुड्डों को खिलौने जो होते हैं, टैडी होता है उसको खाना खिलाते हैं, गुड़िया को खाना खिलाते हैं बच्चे, या फिर कह सकते हैं है ना बैटमैन सुपरमैन, ये सब चीज़ें क्या हैं, वो उसे असली समझते हैं। तो ये क्या है कि वो सजीव और निर्जीव में विभेद या फिर पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि उस अवस्था में संप्रत्यय निर्माण जो चीज़ों को देखने की चीज़ें हैं वो अधूरा होता है और दोषपूर्ण होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, किसी वस्तु की परिभाषा अपने मानसिक क्षमताओं के आधार पर होता ही है। जैसे बादल हमारे साथ चल रहे हैं, वही जो मैंने आपको बात बताई थी, ये अपनी चीज़ों को कैसे समझते हैं, अपनी मानसिक क्षमता के आधार पर, ठीक है, क्योंकि मानसिक क्षमता इतनी विकसित नहीं होती है, इसी वजह से जो उनकी धारणा होती है कि बादल हमारे साथ चल रहे हैं ये सब सत्य मानते हैं, इस वजह से इनकी मानसिक क्षमताओं के आधार पर ही वो अपनी चीज़ों को सत्य मानते हैं। और फिर क्या है, फिर बोला हुआ है कि बालक वस्तुनिष्ठा जैसे विचारों को क्या करता है, विकसित करता है।
अर्थात अपने विचारों को ही सत्य मानता है। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि गुड्डा जिंदा है, या फिर कह सकते हैं उनके टैडी जिंदा है, उनकी गुड़िया जिंदा है, बादल उनके साथ चल रहा है, यानी कि जो ये धारणा को ये मान रहे हैं ना, उसी को सत्य मानते हैं, क्योंकि उनके विचार, उनको लगता है कि जो वो बात समझ रहे हैं वही सत्य है। इस वजह से उनके जो विचार जो होते हैं, उनकी जो सोचने की क्षमता जो होते हैं, इसी को वो क्या कहते हैं, सत्य मानते हैं। और फिर है, 2 से 4 वर्ष तक बालक स्वयं की दी गई धारणा को प्रयुक्त करता है। जो वही बात है कि अपनी बातों को सत्य मानना, और जो बात वो कह रहे हैं उसी को कहना कि भाई जो हम कह रहे हैं वही सही है। और 4 साल के 7 साल तक की आयु में बालक तर्क चिंतन करने लगते हैं और अधिक परिपक्व होते हैं, परंतु यह अवस्था उत्तरक्रमिक नहीं, गुण में नहीं आती। यानी कि देखिए यहाँ पे मान लीजिए बच्चा 2 शब्द 3 शब्द लाइन या फिर एक वाक्य सीखने लगता है, यानी कि यहाँ पर जब वो बच्चा सीखने लग गया है तो वो अपने तर्क के आधार पर चीज़ों को देखने लगता है। 4 से 7 साल की उम्र तक उसको मैथ्स भी आने लगती है, या फिर कह सकते हैं ना, पर जो ये चीज़ें सीखता है वो उत्तरक्रमिक नहीं होती, यानी कि जो भी उसने सीखा है वो उल्टा नहीं हो सकता। मान लीजिए आज बच्चे ने चलना सीखा है, फिर दौड़ना सीखेगा, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो आज दौड़ना सीखा है तो कल चलना भूल जाएगा, या फिर आज उसने 2 का टेबल सीख लिया है तो कल वो नंबर भूल जाएगा, नहीं। यानी कि इस अवस्था में वो जो उसका जो इस अवस्था में क्या होता है, उत्तरक्रमिक का गुण नहीं होता है। उत्तरक्रमिक यानी कि उत्तरक्रमिक यानी कि उल्टा होना, वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो यह है विशेषता किसकी थी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। अब हम समझेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कितने वर्ष तक होती है, 4 से लेके 7 से लेके 12 वर्ष तक अवस्था होती है। अब यहाँ पे बच्चा इस उम्र में कैसे अपना विकास करता है, पहला बोला है कि इस अवस्था में बालक वस्तुओं की परिभाषा बनाने से पहले उन पर ठोस विचार के आधार पर अपनी मानसिक संक्रिया देता है। देखिए पहली बात, जैसे कि पहली अवस्था जो हमारे सामने आई थी वो क्या थी, इंद्रजनित। वहाँ पर किस बच्चे ने कैसे प्रयोग किया था, इंद्रियों द्वारा चीज़ों को समझा था। दूसरी जो अवस्था थी वो थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, वो काल्पनिकता पर आधारित थी। और ये जो अवस्था है वो है मूर्त। अब देखिए मूर्त का मैं अर्थ समझूँ तो देखो मूर्त होता क्या है, पहले ये समझिए। मूर्त का अर्थ होता है कोई मूर्ति, यानी कि जो मूर्ति कैसी होती है, ठोस होती है, एक पत्थर होता है। यानी कि आप चीज़ों को, यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, जब तक बच्चे चीज़ों को देख ना लें, उसका उन्हें वस्तुनिष्ठता या फिर मैं कह सकती हूँ कि उन्हें उस सबूत ना मिले, वो उसको मानते नहीं हैं। और उनका जो सोचने की क्षमता जो होगी ना, अब अगर मैं कहती हूँ कि मेरे को मूर्ति देखनी है, यानी कि मुझे तर्क चाहिए कि ये बात सत्य है ना। एक ठोस चीज़ जब सामने आएगी तो वो तर्क के आधार, हम तर्क लगाते हैं, और तर्क किस पे आधारित है, सत्यता पे। और वो कैसे होती है, जब चीज़ें आपके सामने आती है, ठोस रूप में आपके सामने में सबूत आता है। तो यही होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12, जहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, अपने विचारों को कैसे समझते हैं, ठोस आधार पे समझते हैं। जब तक उसकी चीज़ें सामने नहीं आती वो मानते नहीं हैं। तो इसकी परिभाषा में क्या बोला है, देखिए इसकी परिभाषा में बोला हुआ है कि इस अवस्था में क्या होता है, बालक वस्तुओं की परिभाषा बनाने से पहले उन पर ठोस विचार के आधार पर अपनी मानसिक क्रिया देता है। यानी कि जब तक आप उनके सामने चीज़ों को रखोगे नहीं, ठीक है, वो मानेंगे नहीं। जैसे कि इस अवस्था में बच्चों को आप जितना दिखाकर पढ़ाओगे वो उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि उनकी सोच जो होती है ना वो ठोस चीज़ों के लिए आधारित होती है। साइंस में भी हमने देखा है कि बच्चों को आप जितना एक्सपेरिमेंट कराते हो, चीज़ों को दिखाते हो, पत्ते दिखाते हो, उनके फोटोसिंथेसिस में होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में होता है कि आपको क्या करना है, ठोस विचार के आधार पर। यानी कि इस उम्र में आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनके सामने एक ठोस चीज़ लेके आनी पड़ेगी। मैप्स हो गए, ज्योग्राफी में होता है मैप्स होते हैं, और कह सकती हूँ कि उसमें ग्लोब होता है, ये सब चीज़ें आती हैं, है ना। और तो आगे देखते हैं, देखिए आगे बोला है कि अपनी समस्या का समाधान वह मूर्त विचारों के आधार पर होता है। देखिए मूर्त विचारों के आधार पर, यानी कि वो अपने समस्या जब समाधान करना होता है तो उनकी जो सोच जो होती है ना वो मूर्त चीज़ों पर आधारित होती है। यानी कि वो अपनी, जैसे कि हम बच्चों को मैथ्स में टेबल सिखाते हैं तो वो भी टेबल भी आप उनको वस्तु दिखा दिखा के समझा सकते हैं, आप उसको एग्जांपल दे सकते हैं, और यानी कि उनकी जो समस्या है वो समाधान भी करते हैं ना, तो वो मूर्त विचारों के आधार पे होते हैं। तो यही है। फिर वस्तुओं को पूर्ण रूप से पहचानना और विभेद करना। अब इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, चीज़ों के बारे में पूर्ण रूप से पहचानने लगते हैं, यानी कि क्या चीज़ है।
जो पहले पिछली अवस्था में क्या था कि बच्चे चीजों को पहचान तो रहे थे पर उसमें सजीवता और निर्जीवता के बीच में विभेद था, वो नहीं समझ पाए थे। पर इस अवस्था में ये चीज खत्म होने लगती है, उन्हें समझ में आने लगता है कि हाँ ये सिर्फ निर्जीव है और वो चीजों को विभेद करने लगते हैं, या फिर कह सकते हैं ना इस तरीके से पूर्ण रूप से पहचानना, विभेद करने लगते हैं। तो देखिए जो मैंने बात इस अवस्था के नाम ही है कि मूर्त असंक्रियात्मक अवस्था, यानी कि बच्चे कैसे चीजों को समझेंगे और कैसे विश्वास करेंगे। जब आप उनको विश्वास दिलाने के लिए क्या करोगे, उनके लिए उनको ठोस रूप में वस्तु प्रस्तुत करोगे। और यही बात इसमें बोली गई कि इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे चीज़ों को सुनकर नहीं मानते हैं। आप उनको कह दीजिए कि ये थ्योरी है या फिर ये सिद्धांत है, वो नहीं मानेंगे जब तक आप उस सिद्धांत को उसको एक्सपेरिमेंट या फिर कह सकते हैं कि प्रयोग करके नहीं दिखाओगे, साइंस में प्रयोग नहीं करोगे, ग्लोब आप टाइम सिखाना है उनको, आप उन्हें समझाओगे नहीं अच्छे से, तो वो तब जब तक उस चीज़ को देख नहीं लेंगे, देख नहीं लेंगे वो उसको नहीं मानेंगे। और यही कारण है कि इस अवस्था में हमें एक नकारात्मक चीज़ यह देखने को मिलती है कि इस अवस्था में बालक जो होता है ना वो ये मूर्त चीज़ों के आधार पे, क्योंकि मैथ में हम देखते हैं कि बहुत सारे जो हमारे इक्वेशंस होते हैं हम उनमें एजम्पशंस लगते हैं, यानी कि अवधारणा लगती है ना, तो वहाँ पर बच्चे सुनकर नहीं मानते, उनको सीखने में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि वो मूर्त चीज़ों में बिलीव करते हैं, मानते हैं। तो ये क्या हो गया, बच्चे क्या करते हैं अपने विचारों को देखकर विश्वास करते हैं ना कि सुनकर। अब देखिए इसमें नकारात्मक बिंदु क्या क्या है, नकारात्मक बिंदु इसमें यह है कि इसमें मानसिक संक्रिया एवं ठोस आधार है। देखिए यही एक नकारात्मक बात है क्योंकि बच्चों को जब पढ़ाना होगा हमें तो वहाँ पर हम हर चीज़ का एक ठोस प्रमाण नहीं ला सकते हैं। विज्ञान में या फिर मैं कहूँ तो साइंस में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हमें सिर्फ एक अजम्पशन लगानी होती है क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट है, हम बहुत सी चीज़ें नहीं दिखा सकते बच्चों को। तो यहाँ पर क्योंकि बच्चों को हर चीज़ का एक ठोस प्रमाण चाहिए, और ये एक नकारात्मक चीज़ भी हम देख सकते हैं। दूसरा है कि इनका चिंतन क्रमबद्ध नहीं होता, अर्थात सारांश नहीं समझ सकते, यानी कि अगर आप उसने कुछ कहानी सुनाओगे या फिर पूरा एक समरी कुछ कहानी सुनाते हो या फिर कोई पोएम या फिर स्टोरी सुनाते हो तो उसकी समरी नहीं याद कर सकते, समरी यानी कि सारांश, उसका एक पूरा मूल रूप ढांचा वो नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी एक नकारात्मक बिंदु के तरह हमारे सामने आता है। तो ये तो हमने समझा मूल संख्यात्मक, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे जो हमारे सामने इसका जो चौथा जो अवस्था है वो है अमूर्त संख्यात्मक अवस्था। देखिए नाम से समझिए, इंद्रियजनित अवस्था में क्या था, इंद्रियां थी, और संख्यात्मक अवस्था पूर्व संख्यात्मक अवस्था में क्या था, काल्पनिकता थी। मूर्त में क्या था, ठोस चीजों पर मूर्त में मूर्ति के आधार पर ठोस चीजों को समझना था। और अमूर्त संख्यात्मक अवस्था क्या कौन सी वर्ष तक होती है, 12 से लेके 15 वर्ष तक। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, पहले है कि इस अवस्था में बालकों का विचार अधिक लचीला होता है। तो देखिए ये जो अवस्था जो होती है 12 से लेके 15 साल तक की अवस्था, यहाँ पे बच्चों का जो विचार जो होता है थोड़ा लचीला होता है। लचीला मतलब कि वो आप चाहे तो उन्हें वो चीज़ों को समझेंगे, आप थोड़ा आप उसको मोल्ड कर सकते हैं, यानी कि अब वो अपनी चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा आसानी से समझते हैं। और इनके विचार प्रभावशाली होते हैं, यानी कि इनकी जो सोच जो होती है वो प्रभावशाली होती है, यानी कि देखिए इस उम्र तक आते आते बच्चे अपने करियर के बारे में सोचने लगते हैं, उन्हें क्या करना है थोड़ा इस उम्र में आ जाता है, ठीक है। तो इनके विचार जैसे प्रभावशाली होते हैं, ये प्रभावित करते हैं इनके विचार, ठीक है। फिर दूसरा है चिंतन क्रमबद्ध होता है, क्रमबद्ध यानी कि एक के बाद ही चिंतन करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, और इनकी सोचने की जो क्षमता जो होती है वो एक क्रम से चलती है, वो चीज़ों को अच्छे से सोच और समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ने बोला कि इस अवस्था में विकेंद्रीकरण अर्थात विचारों की वस्तुनिष्ठता पाई जाती है। वस्तुनिष्ठता यानी कि अब जब बच्चे कुछ चीज़ सीखते हैं ना तो वस्तुनिष्ठा के आधार पे, यानी कि चीज़ों को अच्छी तरीके से समझते हैं। वस्तुनिष्ठा का आधार यह होता है कि जब आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ रहे हो, विकेंद्रीकरण यानी कि आप किसी चीज़ को अच्छी तरीके से समझते हैं, सोचते हैं और उसी के हिसाब से चीज़ों को करते हैं, ठीक है। एक चीज़ के बारे में समस्या के बारे में सेंटर्ड होकर सोचना, वही एक तरीके से इस अवस्था में पाई जाती है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है, नकारात्मक बिंदु है, समस्याओं का समाधान काल्पनिक तरीके से करते हैं। देखिए काल्पनिकता जो इसमें एक आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है क्योंकि जो जो हमारी हमारे सामने जो अवस्था दूसरी अवस्था जो थी वो क्या थी,
पूर्व संज्ञात्मक अवस्था, वहाँ भी बच्चे काल्पनिकता का सहारा लेते हैं, बट इस अवस्था में काल्पनिकता का आधार यह है स्पिरिचुअलिटी से या फिर आध्यात्मिकता से, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे जो होते हैं इस तरीके से मानने लगते हैं कोई भी आध्यात्मिकता चीज़ों को, और अपनी समस्या का समाधान इस काल्पनिकता के आधार पर करते हैं। ये काल्पनिकता अलग है, वो काल्पनिकता जो थी वो एक तरीके से कह सकती हूँ मैं कि वो सजीव और निर्जीव की भीड़ ज़्यादा होती है, पर यहाँ पर जो होता है यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता की चीज़ें सामने आती हैं। तो ये इस अवस्था की नकारात्मक बिंदु है, ठीक है। और तो ये थी पूरी जीन पियाजे की थ्योरी, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हमने क्या समझा था, सबसे पहले हमने इसके मुख्य बिंदुओं को समझा था और जानने की कोशिश करी थी कि इसके अंदर, तो मैं आपको फिर से समझाती हूँ आपने क्या क्या पढ़ लिया सिद्धांत में। हमने पढ़ा अनुकूलन, पढ़ा कि बच्चे कैसे अडेप्ट करते हैं, कैसे वातावरण से मिलते हैं, और फिर आत्मसत्कर्ण पढ़ा जहाँ पर वो अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर समस्या को समाधान करते हैं। फिर हमने पढ़ा समायोजना जहाँ पे नवीन ज्ञान का इस्तेमाल करके समस्या का समाधान होता है। फिर पढ़ा समय धारणा जहाँ पे अनुकूलन अनुकूलन आत्मसत्कर्ण और समयोजना के बीच में एक समय स्थापित किया जाता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा संज्ञात्मक रचना कि हम चीज़ों को देखकर क्या समझ रहे हैं। फिर हमने पढ़ा मानसिक संक्रिया यानी कि चीज़ों को आप कैसे तरीके से करते हो या फिर समाधान करते हो। फिर हमने स्कीमस पढ़ा जिसके अंदर आपको चीज़ों को बार बार दोहराने के कारण आप चीज़ों को आपके दिमाग में उसका पैटर्न सेट हो जाता है। स्कीमा पढ़ा, स्कीमा में हमने जनरलाइजेशन सामान्यकरण देखा कि एक सेम चीज़ को आप स्विच करते हो दूसरे चीज़ पे अपने स्कीमस उस दोहराई हुई चीज़ों के आधार पे, है ना, स्कीमा में समझा। विकेंद्रीकरण में पढ़ा कि आपने किसी चीज़ को वस्तुनिष्ठा के बारे में सीखा। फिर आपने जीन पियाजे की चार थ्योरीज पढ़ी थी जिसके अंदर इंद्रजनित अवस्था थी। इंद्रजनित अवस्था में आपने क्या पढ़ा कि बच्चे अपने इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं और इनमें उसी के थ्रू अपनी चीज़ों को अपने संकेतों को बताते हैं। पूर्व संख्यात्मक में क्या पढ़ा था, उसने पढ़ा था कि बच्चे काल्पनिकता का इस्तेमाल करते हैं, उनके विचार में वस्तुनिष्ठता नहीं होती है, वो चीज़ों को असजीव और निर्जीव में विभेद नहीं कर पाते हैं। और मूल संख्यात्मक अवस्था में आपने पढ़ा था कि बच्चे ठोस आधार पर ही अपनी चीज़ों को समझते हैं। फिर पढ़ा था अमूर्त संख्यात्मक अवस्था में पढ़ा कि आपने यहाँ पे कि जो बच्चे होते हैं अपनी उम्र के हिसाब से अपनी कह सकते हैं कि आध्यात्मिकता पे ज़्यादा उनका इस दिशा में बढ़ जाते हैं। और तो ये सब हमने पढ़ा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे जीन पियाजे की थ्योरी अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।